नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी नर्सरी वाला के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज मैं आया हूँ बहुत ही खास पौधे के साथ। ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये है आड़ू की वैरायटी FLA 1633। आपने शायद नाम भी पहले बार सुना होगा इसका। ये आड़ू की अर्ली वैरायटी है, बहुत ही इसका खूबसूरत फ्रूट होता है। फ्रूट साइज भी अच्छा होता है इसमें, आप साइज देखिए। अभी फ्रूट पका नहीं है, लेकिन फिर भी इसका साइज बहुत अच्छा है। अगर मैं इस फ्रूट को मुट्ठी में लूँ तो पूरा ही मुट्ठी में आ रहा है फ्रूट। काफी बड़ा इसका साइज है, बहुत अच्छी वैरायटी है। अभी ये फ्रूट इसका पका भी नहीं है, हालांकि फिर भी इसमें पूरी कलरिंग हो चुकी है। इसका अंदर से जो होता है फ्रूट वो पीले कलर का होता है, बाहर से रेड कलर का हो जाता है बिल्कुल, और दिखने में बहुत ही सुंदर है। अगर कोई भी किसान साथी इस तरह के पौधे लगाता है तो अवश्य ही उसको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, क्योंकि ये अर्ली वैरायटी है। और जब भी आपकी कोई फसल मार्केट में सीजन से पहले आती है, 1 महीना 15 दिन 20 दिन भी आती है, तो आपको एक अच्छा मुनाफा जरूर वो देकर जाती है। तो ये वैरायटी का आप इस वैरायटी के बारे में जरूर विचार करें। और इस वैरायटी के अगर आप पौधा भी लगाना चाहते हैं तो जुलाई या दिसंबर वो बेस्ट टाइमिंग है इनका प्लांटेशन का। तो मैं आपको इसका फ्रूट और एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए आप फ्रूट, कलरिंग हालांकि अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है कलर इसका। इसके अलावा नीचे देखिए, साइज के मामले में वाकई बहुत जबरदस्त है इसका साइज। अगर मैं इस पौधे की उम्र की बात करूं तो ये सिर्फ 1 साल का पौधा है, और आप इसकी हाइट देखिए। 1 साल में बाकी भी आड़ू की वैरायटी में आड़ू लग जाता है, लेकिन ये वाकई ही एक खास वैरायटी है। इसके बाद मैं आपको लेकर आया हूं सेब की डोरसेट वैरायटी के पास। आप इसमें फ्रूट देखें, सिर्फ इसमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में फ्रूट लगता है रूटस्टॉक के पौधे में। आप एक बार फ्रूट देखें, पूरा हर गुच्छे में 3-3, 4-4 लगा हुआ है, और साइज भी बहुत अच्छा बन रहा है। आप साइज देखो फ्रूट का, हालांकि इसे पकने में अभी 1.5 महीना और लगेगा। पकने के बाद हल्की कलरिंग भी हो जाएगी इसमें। पूरा ये फ्रूट का भरा हुआ है पौधा। आप हर जगह जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको फ्रूट ही फ्रूट देखने को मिलेगा। अगर मैं इस सेब की टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। पूरा जूसी होता है अंदर से। बेशक इसका कलर हल्का ग्रीन रहे, लेकिन खाने में ये हिमाचल और जम्मू के सेब से कई गुना बेहतर है, और आपके हेल्थ के लिए भी बेटर है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश मिलेगा। आज डेट है 16 अप्रैल 2023, और मैं खड़ा हूँ इस वक्त राजस्थान भिवाड़ी जय हिंद नर्सरी पर। अगर किसी भी किसान साथी को फ्रूटिंग देखनी है, अगर जरा सी भी वीडियो ये फेक लगे, तो इस टाइम जय हिंद नर्सरी पर आए और आके खुद अपनी आंखों से फ्रूट खा के भी देखे, और इन पौधों को भी देखे कि कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।